अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी से ब्लॉग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज काफ़ी दिनों का ब्लॉग कर रहा हूँ। आज तारीख है आपका, हाँ 13 तारीख है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दिखा रहा हूँ कितना फॉग गिर रहा है हम लोग का इलाका में। सुबह देखते देखते हम घर भी पहुंचे। बीच में आपने देखा ही होगा रास्ते में कितना फॉग था, कोहरा था, कोहरा ही कोहरा। और हमारे पलापुर में कुछ भी नहीं, तो हम लोग के इलाके में फॉग बहुत कम ही गिरता है। और क्या करें, फॉग कम गिरता है, ये मेरा तो इन्हें प्रॉब्लम मतलब कि है नहीं। और क्या करें, वेदर का सिस्टम हमसे हमारा तो ज़बरदस्ती से नहीं चलता है। मिलते हैं बाद में। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि पलापुर में फॉग क्यों नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है। और आप देखिए, कोहरा ही कोहरा, हंसी आ रहा है भाई। पूरा रास्ता देखिए, अभी 6 बजे तक पलापुर में फॉग का नामो निशान नहीं था। और अभी देखिए क्या फॉग है। कोहरा ही कोहरा, इतना कोहरा कि ठंड के मारे मर जाएंगे। देखिए आप इतना कोहरा है, दिखाई भी नहीं जा रहा है अच्छी तरह से। कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था, अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। इतना कोहरा कहाँ से आ गया। हम थोड़ा देखिए कितना, कैमरा में उतना नजर नहीं आता है आपको, तो ये इलाका मालूम ही होगा है मेरा टेरेस। और सुबह सुबह जब आए थे कोहरा का नामो निशान नहीं था। और अभी देखिए कितना कोहरा, कितना ज्यादा कोहरा, बाप रे। आपको कैमरा का सेंसर में ज्यादा दिखाई नहीं देगा, दे रहा होगा मुझको मालूम। और सूर्य देवता को देखिए, आया दिखाई नहीं दे रहे प्रकट होने का कोशिश कर रहे लेकिन कर नहीं पा रहे, फॉग के द्वारा दब गया है। इसी के बीच में काफ़ी दिन ब्लॉग नहीं किया और बाकी बहुत कुछ हुआ, जॉब भी करता हूँ इसीलिए भी, और ब्लॉग कुछ नहीं कर पाता कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ। ड्यूटी का टाइमिंग्स कुछ ऐसा ही है। और इसी बीच काफ़ी कुछ हो गया, न्यू ईयर भी चला गया, क्रिसमस भी चला गया और काफ़ी कुछ घटनाएं चला गया। जैसे कि आप दर्जे में तो ऐसा नहीं रहता हूँ, और ऐसा में रहते हुए ये
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा नया कानून किया भी ऐसी ये इसके बारे में मुझे बात नहीं करना था लेकिन मैं करना पड़ रहा है। बात ये है कि मतलब कि मैं इस टॉपिक में क्या है वो उसमें वो बात नहीं करूँगा। बात यह है कि इंटरनेट शटडाउन किया गया था इसी कारण के लिए इंटरनेट शटडाउन किया था 9 दिन या 10 दिन के लिए, 11 तारीख से 19 तारीख या फिर 20 तारीख तक, हाँ ऐसे कुछ। तो इंटरनेट शटडाउन किया गया था और सब पे वाट लगा दिया। मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ इंटरनेट सेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैपिटल। सोचिए कितना बदनाम है, नॉट गुड, नॉट काफ़ी प्रॉब्लम। मैं फॉग का पार्टिकल्स को उड़ते हुए मैं देख रहा हूँ, सामने से उड़ रहा है, इतना ठंडा है, मेरा हाथ जम रहा है। और कल परसों संक्रांति भी है लेकिन आज मेरा वीक ऑफ आज है, क्या करें, संक्रांति भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। बहुत दुख लग रहा है लेकिन क्या करें, करियर भी बनाना है। जैसे मैं ब्लॉग बनाने वाला था लेकिन 31st का दिन में मेरा जो वीक ऑफ था वो 31st को मेरा किसी ड्यूटी था जिससे मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। घर में मेरा पार्टी भी और बहुत कुछ है, क्या करें, नसीब नाम का अच्छा नहीं लगता। मेहनत करता हूँ भाई, नसीब को क्यों क्या नसीब को क्यों क्रेडिट दे, मेहनत को क्रेडिट देता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत को क्रेडिट दूँगा। नसीब का कोई काम नहीं है यार, नसीब काम करता ही नहीं, मेरा तो काम करता है, वही बात है। हाँ, और बीच में अच्छा लगा भी काफ़ी, आप देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा। बीच में एक टावर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टावर भी दिख नहीं रहा है, काफ़ी कोहरा है। देखते आज के दिन कैसे कटाते हैं, अच्छा ही कटाएंगे नहीं, अच्छा बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनाएंगे, लगे रहे मेरे साथ। गुड इवनिंग, काफ़ी कम आ रहा है। और सुबह आपको बताया था कि कल मकर संक्रांति और ये मकर संक्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ऑल ओवर द इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्यों माना जाता है कि एक वेदर चेंज, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन से बताता हूँ। सबसे पहले मकर संक्रांति नहीं, इस डेट में तीन और अलग, टोटल में तीन फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ओनम, पोंगल और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति होता है कि हम लोग गर्मियों को सीज़न को वेलकम कर रहे हैं, गर्मियाँ तो नहीं बोल सकते, पूरा ठंडा थोड़ा थोड़ा होता है, गर्मियों को सीज़न को वेलकम करते हैं। जेगरी आपको मालूम ही होगा, हम लोग बंगाली या हिंदी में बोलते हैं गुर, मालूम है ना गुर, हाँ गुर और कोकोनट नारियल वगैरह के लड्डू हम अपने दोस्तों को, फैमिली वालों को, रिलेटिव्स को बांट के खिलाते हैं, एंजॉय करते हैं, बॉनफायर में बैठते हैं, हाँ बॉनफायर से भी याद है। इसके बाद आता है मकर संक्रांति के बाद आता है लोहड़ी में क्या होता है, जो पंजाबी लोग मनाते हैं इसको, और
आग जलाया जाता है, रिलेटिव रिलेटिव वगैरह घर में आते हैं, आग के बीच में सब लोग नाचते हैं, एंजॉय करते हैं, बाकी सब कुछ खाना वगैरह फीस्ट होता है, फेस्टिवल होता है, और लोहड़ी मनाया जाता है। ये जो गर्मियों का दिन है, गर्मियों का जो दिन है और खेतों का जो नया सीज़न आ रहा है, इसको वेलकम करने के लिए बुलाया जाता है। और साथ ही साथ हमारा तमिल में साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो होता है इसको बोलते हैं पोंगल। पोंगल भी एक सेम टू सेम ही रिलेटेड फेस्टिवल है, सब तीनों का तीनों रिलेटेड फेस्टिवल ही है। ये हमारा नेचर को पोंगल बोलते हैं, हमारे नेचर को हम बुलाते हैं, मतलब कि नेचर को हम बुलाते नहीं, नेचर तो होता ही है, क्या बोलता हूँ, नेचर को हम धन्यवाद करते हैं, नेचर को हम वेलकम बोलते हैं, नेचर को हम थैंक यू बोलते हैं। और फिर से जो रेनी सीज़न, गर्मियों का सीज़न, जो भी हार्वेस्टिंग नहीं, प्लांटिंग सीज़न जो भी होगा, उसको वेलकम करने के लिए, उसको धन्यवाद जानने के लिए, जो भी ये जो हमारा खाना खाद्य है, जो भी सबको इन्वाइट करने के लिए, सब चीज़ों का धन्यवाद करने के लिए ये सब मनाया जाता है। मगर अगर डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, हाँ बात यह है इन सभी के बीच कि इन तीनों फेस्टिवल में लोग खाना बहुत खाते हैं, मिठाई, स्वीट डेजर्ट्स, स्वीट फूड वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ों का सेवन करते हैं, जो कि जगरी, कोकोनट वगैरह वगैरह से बनाए जाते हैं। और यही सब है, दिन में काफ़ी घूम रहा था, मैं आपको दिखा नहीं पाया मैं कहाँ घूम रहा था, सॉरी इसके लिए, दोस्तों के साथ थोड़ा मी टाइम एंजॉय कर रहा था, आवर टाइम, आप भी है शामिल, लेकिन हाँ शाम को कुछ मिलेंगे ना, दिखाएंगे आप। हाँ अभी फिलहाल ठंडा तो अभी नहीं है, अभी थोड़ा तारीख भी पता है क्या है ना, ड्यूटी को जाते हैं, कंटेंट वर्क रहना पड़ता है। और बाकी सब वाव शैम्पू तो कमाल का रिजल्ट दिखा रहा है, आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, करके देखिए अच्छा लगेगा, अच्छे चीज़ों को रिकमेंड करता हूँ, बुरे चीज़ों को नहीं। और हाँ आपको सुबह में आपको टावर दिखाया था, और ये टावर पहले एयरसेल का हुआ करता था और अभी ये किसी का नहीं। बहुत सुना है कि ये एयरटेल का हो है या बीएसएनएल का है, ऐसा करके सुना है, लेकिन अभी तक श्योर नहीं है, मुझे तो लगता है किसी चीज़ का नहीं है। एयरटेल तो बिक गया या जो भी हो गया, मुझको नहीं मालूम एयरटेल का क्या, एयरसेल क्या है, एयरटेल बहुत मस्त हूँ, एयरटेल में यूज़ कर रहा हूँ, एयरसेल बिक गया, गायब हो गया, लुप्त हो गया दुनिया से। खाना भी अभी खा के आया, अभी सिर्फ 4:10 हुए या कितना मिनट, अभी खाना खा के उठा, लेट हो गया आज। स्प्रिंग सीजन बहुत मज़ेदार है, इस बार मिस करूँगा यार मकर संक्रांति, बहुत दुख लग रहा है। ये जनवरी के टाइम में घर में फैमिली के साथ मिले, बहुत जोर से लग रहा है, बहुत जोर से लग रहा है, हाय कट लग गया जनवरी का महीना में घर में रहने में मजा ही कुछ और, लेकिन रह नहीं पा रहे यार, 4 आ पाए, वो भी क्रूशियल टाइम, ऐसा है कि फेस्टिवल कल है और भी गो बाज है, ऐसा करके आना पड़ रहा है, क्या सीरियस है, सीरियस है, नथिंग टू डू, चल नहीं सो, अभी बहुत अंधेरा लग रहा होगा आपको, ठीक है अंधेरा है ही, ठंडा काफी है, अभी अंधेरा काफी है, अभी सारे के सारे दोस्तों मिलके
मंडे नाइट आउट कर रहे हैं, लोग संडे नाइट आउट करते हैं, हम लोग मंडे नाइट आउट करते हैं। बहुत याद दे रहा है। अंधकार मध्ये फोटो ब्लॉगिंग। रास्ते बहुत खराब है जी, इसलिए ये रास्ते नहीं है, गड्ढे पे रास्ते या रास्ते पे गड्ढा है ये पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा। ये रास्ता तो देखिए, ये मुंबई का तो रास्ता नहीं है, ये बहुत ही छोटे इलाके का है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये इलाका बहुत छोटा है, हम लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे हैं, बाइकिंग कर रहे हैं, मोमो खाने के लिए जो भी आपको मिले उठा लेंगे। मिल गया, आ गए, दुकान पे आ गए, खाएंगे मोमो, देखते हैं क्या क्या। भाई लोग अभी तक नहीं आए, हम तीन भाई आ गए, अभी और तीन भाई आ रहे हैं। और ये है मोमो का दुकान, हम लोग का मोमो का दुकान। हे अच्छा जी, हे शाबाश, ऐसे ना मम्मी को बोला खाना, ऐसे ना। अब वो लोग कहाँ रहेंगे भगवान जाने, कुछ बताइए। तो इनका ब्लॉग बहुत दिनों के बाद हो रहा है, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। आज काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिया है आप सब लोगों के लिए। और ये हमारे भाई लोग भी आ गए फाइनली इन ब्लॉग। हमारे मुस्टर भैया प्रीतम साहब, और पीछे हमारे दिवाकर भैया हेलमेट लगा के, राक्षस वाला। कौन सा राक्षस है भैया? ये हम तीनों आई एम नॉट डेविल, कॉलेज के जिधर यार है सारे के सारे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, अभी भी एक ही साथ ही, नहीं काम अलग अलग करते हैं लेकिन पार्टी एक ही साथ करते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हम लोग आए हैं मोमो खाने, लेकिन मोमो तो हमको नहीं मिल रहा है। अंकल जी अभी हमको बोरा खिलाएंगे, बोरा खाना खा के गुजारा करना पड़ेगा, क्या करें। अनबन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। एक ने बोला कि मोमो है, दूसरे ने बोला कि नहीं, उसी के बीच में अभी वार्तालाप चल रहा है। अरे हमारे भाई साहब कैसे हैं? अच्छा, हम भाई साहब अच्छे ही, हमेशा अच्छे रहते हैं, यही तो सुन के अच्छा लगता है। भाई साहब लोग चले जा रहे हैं, चलो दोनों नेक्स्ट मंडे मिलेंगे, नेक्स्ट मंडे चले जा रहे हैं भाई, चले जा रहे हैं, बहुत हाथ बड़ी आपसे कुछ देर बाद होते हैं। डिनर भी खत्म हो गया और आज का वीडियो और नहीं लंबा खींच के यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो। गुड नाइट।